दीपावली के मौके पर विदिशा के रामलीला मैदान पर पटाखा बाजार लगाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। जिला प्रशासन और नगर पालिका द्वारा लाइसेंस वितरण और दुकानों का आवंटन किया जाएगा। वहीं कई पटाखा विक्रेता आज अपनी समस्या लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि एक एक व्यक्ति कई बार आवेदन कर दुकान ले रहा है, इससे कई अन्य लोग बेरोजगार हो रहे हैं। वहीं प्रशासन पुराने दुकानदारों और पुराने लाइसेंसों को ही दोबारा रेन्यू कर रही है, जिससे नए युवाओं और बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। प्रशासन द्वारा अभी करीब 250 के लगभग लाइसेंस जारी करने की बात कही गई है। लाइसेंस की प्रक्रिया को नए सिरे से करने, लॉटरी सिस्टम के जरिए लाइसेंस जारी करने की मांग भी की गई है। विदिशा से अजय सिकरवार की रिपोर्ट। मैंने पिछली बार लाइसेंस के लिए अप्लाई करा था, पिछली बार मैंने इन लोगों ने लाइसेंस नहीं बना के दिया सर, ठीक है। फिर उसी लाइसेंस पे मैंने गैस पे इस बार फिर अप्लाई करा। अब एक व्यक्ति 5-5 लाइसेंस अप्लाई कर चुका है, उसके पास पुराने 5 लाइसेंस है। पुराने 5 के 5 लाइसेंस अगर वापस रिन्यू करेंगे तो हम तो फिर इस हिसाब से व्यापार ही नहीं कर पाएंगे। नए आदमी हमने पिछली बार अप्लाई किया, हमारा लाइसेंस नहीं आया। इस बार वापस फिर अप्लाई किया, फिर लाइसेंस नहीं आया। पिछली बार की फीस भी गई हमारी, इस बार वापस हमने फीस भी अप्लाई करी है। फिर आप उसका इंतजार में, और अभी प्रस्ताव कह रहे हैं कि नहीं बनाएंगे लाइसेंस, तो हम तो व्यापार नहीं करें। हमारे पास रोजगार का संसाधन रहेगा। एक व्यक्ति 5-5 लाइसेंस वापस अप्लाई करता है, उनके 5-5 साल पुराने लाइसेंस है, आप उनको रिन्यू कर रहे हो। पिछली बार कोई जांच कमेटी नहीं आई, कोई चेक करने नहीं आया कौन के लाइसेंस है। एक व्यक्ति एक दुकान लगाए, मैंने लाइसेंस जो हुए जारी वो हुए 253 लाइसेंस जारी हुए है। इनमें से दुकान रामलीला में 253 दुकान का भी नंबर डल गए, और अभी जो पुराने व्यापारी उनके 86 लाइसेंस के उनने एंट्री करके और लिखा है, और पैसे जमा करना थे 2651 रुपए, तो उनने वो जमा रोक दिया है। कि अभी ऊपर साहब से फोन आया है कि कोई रसीद के पैसे जमा नहीं करेगा, तो पेंडिंग लाइसेंस बहुत हो गया है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि कुछ नए लाइसेंस ही बन जाए, तो जो बेरोजगार युवा है वो कम से कम व्यापार अपना फटाके का कर सकेगा। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विदिशा से हमारे संवाददाता अजय सिकरवार जुड़ चुके हैं। अजय बताइए, जैसा कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि पुराने जो लाइसेंस है उसको रिन्यू किया जा रहा है, लेकिन जो नए लोग हैं उनको लाइसेंस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है विदिशा के, जहाँ पे रामलीला मैदान पर पटाखा बाजार लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और जिला प्रशासन और नगर पालिका द्वारा लाइसेंस वितरण और दुकानों का आवंटन किया जाएगा। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए विदिशा से हमारे संवाददाता अजय सिकरवार जुड़ चुके हैं। अजय, जैसा कि देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो पुराने लाइसेंस है उसको तो रेन्यू किया जा रहा है, लेकिन जो नए लाइसेंस हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या है पूरा मामला, एक बार विस्तार से जानकारी दीजिए इस पे। हाँ जी, एक्चुअली में क्या हुआ है कि कई तरह का व्यापारियों ने जो पुराने ऑलरेडी जमे हुए हैं, उनका कहना है कि कई ऐसे पटाखे व्यापारी हैं जो अपने 55 लाइसेंस ऑलरेडी एप्लीकेशन दे रखे हैं, और नए लोगों को उनके लिए लाइसेंस अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, जिससे वो एसडीएम के सामने मांग लेके आए थे कि नए जो नए व्यक्ति हैं, नए युवा लोग हैं, उनको भी लाइसेंस दिया जाए, टोकन सिस्टम किया जाए, जिससे नए व्यक्ति जो हैं वो भी इसे जोड़ पाए और उनको रोजगार मिल पाए, नहीं तो उनके कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक व्यक्ति लगभग 55 आवेदन में अप्लाई करके बैठा हुआ है, इस कारण उनको दिक्कत काफी उठाना पड़ रही है। जी, तो इस पे प्रशासन का क्या, इसका शिकायत की किया गया है कि जो पुराने लोग हैं उनको तो आसानी से मिल जा रहा है, लेकिन जो नए लोग हैं उनके नहीं मिल पा रहा है, इसको लेके कोई शिकायत की गई है? प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया हुआ है कि इसका हम जल्दी कार्रवाई करेंगे, उस पर इसका निर्णय ही हम जल्द आपको दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।